अस्पताल में मैं आ गया हूँ, सन्नाटा बहुत है, कोई मरीज नहीं है, कंपाउंडर भी गायब है। कंपाउंडर मारतंडे मारतंडे, क्या खाएगा टंडे? आया आया जी, कहिए। कहाँ था? मेम साहब ने बुलाया था। है? मैं आपके बंगले मेम साहब के पास गया था। तुम अकेला गया था? अकेला गया था? मेरे अलावा वहां जाता कौन है? तेरे अलावा कोई नहीं जाता। कौन जाएगा मेरे ना रहने पे? तू क्यों जाता वहाँ? मैं जाता हूँ उनकी सेवा करने, उन्होंने मुझे बाजार भेजा। अबे क्या सेवा के लिए मैं कम पड़ रहा हूँ? समझे नहीं आप? हाँ? आप सेवा रात की करते हैं। अच्छा। मैं दिन की सेवा करता हूँ। तू पार्ट टाइम करता है? उनका काम करना है। क्या? सब्जी लेने के लिए भेजा था तो उन्होंने मुझसे कहा सब्जी खाने का मन कर रहा है। अच्छा। मैं जो कहिए मैं ले आऊँ, उनका मूली ले आना। मूली? हाँ, मूली की सब्जी। अबे मूली कैसी थी? मूली मोटी लंबी जौनपुरी मूली। अबे इतनी तगड़ी मूली क्यों दे के आया? अरे बनते बनते थोड़ी हो जाती है छोटी। आप समझते नहीं है, जब मूली मूली का पानी निकल जाता तो सूख के थोड़ी हो जाती। जानते हैं? अब मैं समझ। अब आपका पानी पानी है, कब से निकल रहा है? अब आप कैसे रह गए? तेरा पानी जम गया क्या? मेरा पानी सही है। फालतू बकवास मत कर, बोलिए। देख कोई मरीज आया नहीं आया? मरीज आता ही होगा। अबे देखेगा, सबको गोलियां देता रहता है। मरीज कौन? आप दूर रहेंगी डॉक्टर साहब। कंपाउंडर जी साहब, जिंदगी में पहला अच्छा काम किया तूने। जो ऐसा मरीज लाया? ऐसा मरीज लाया। ये आपका आखिरी मरीज है। मतलब? ध्यान रखिएगा, मैंने शमशान में खबर भिजवा दी है। शमशान में? हाँ। अबे क्यों, क्या ये कोई मौत का सामान है? ये समझ लीजिए ऐसा मरीज आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अबे नाले कुल्लू के पट्टे करे क्या औलाद? जी कहिए। उसको बैठे में नहीं करा तो खुद बैठ जाएगा। प्लीज आइए, यू टेक द सीट। थैंक यू। आहा, हाथ मिलाइए। बैठ जाइए, ज्यादा है, क्लोरोफार्म मत सुंघाइए, बैठे रहिए। देखिए मैं भी आता हूँ। अबे इधर आ, इधर आ। तू वहाँ क्या करने जा रहा? जरा देख रहा हूँ, वहाँ अंदर एक मरीज पड़ा हुआ कपड़े उतार के। देखता हूँ उसके टाके सही हुए कि नहीं। पहले ये देख जा मरीज कौन सा, जेंट्स है लेडीज? वो तौलिया आपने जो मरीज के बगल में रखी थी कहीं पेट में तो नहीं है? पेट में नहीं, ढक के देखना। हेलो हेलो डॉक्टर। पीछे चलो। जी मेरा कहने का मतलब है कि पीछे चलिए आप। पीछे इलाज करते हैं जो भी काम करते पर्दे के पीछे करते हैं। पहले हमारी परेशानी तो सुनिए। क्या कष्ट है कन्या? बहुत परेशान है। बहुत परेशान है? क्या परेशानी है सर? देखिए एक बात सुन लीजिए, मेरे दवा खाने का नाम आप जानते क्या है? नहीं। पढ़ लीजिए। हैरान डॉक्टर। हाँ। परेशान कंपाउंडर। यस। तंग मरीज। हाँ। आपको कोई तंगी हो बताइए, मोहल्ले में कोई नंगी हो बताइए, बगले बजरंगी हो बताइए, क्या कष्ट है? बताऊं? हाँ बोलिए। कुछ दिनों से डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत मरोड़ उड़ती है। सर मरोड़? और ना पेट में बहुत जोर से चक्कर आता है। कंपाउंडर जी सर। अबे तू वही पड़ा। और तो सुनिए। हाँ। आंखों से कुछ सुनाई नहीं देता, कानों से कुछ दिखाई नहीं देता। अबे कैसा मरीज आया, आंखों से सुनाई नहीं देता, कान से दिखाई नहीं देता, सर में मरोड़ होता है, पेट में चक्कर आता है, क्या मुसीबत है? मैं क्या करूं डॉक्टर? बर्दाश्त करो मैडम। चेकअप कराइए अपने। हाथ ऊपर पैर नीचे। ठीक से तू क्यों बीच में कुत्ते की तरह लफर लफर कर रहा है? जब देख रहा है कि दो लोग आपस में मानसून बना रहे हैं तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है?
डॉक्टर साहब जल्दी करिए ना, बर्दाश्त करिए। मैं अपने पति को घर पे छोड़ के आई हूँ। जल्दी में दवा फैल जाएगी, इंजेक्शन गलत जगह लग जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए आप। इंजेक्शन नहीं लगवाती, मुझे बहुत डर लगता है। आपकी बीमारी गंभीर है, इंजेक्शन लगवाती नहीं। मैं कैप्सूल लेती हूँ। हाँ, याद आया, याद आया। कौन सा कैप्सूल खाती आप? रेस्टा क्लीन। ये बताओगे जरूरी है? अरे जो भी डॉक्टर देते हैं वही तो खाऊंगी। अब तक किसके पास गई तुम? मैं कितने डॉक्टर बदले अभी तक? दो के पास जा चुकी हूँ। कौन कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर आपको क्या मतलब? तुझे क्या मतलब है? ये MBBS डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर LLB पास हैं। वो हमारी पीछे नुक्कड़ वाली गली है ना, अच्छा, वहीं जाते थे। अच्छा, वो डॉक्टर, डॉक्टर नबीना। वो फीस भी कम लेते हैं ना। हाँ, वो नबीना है, वो दिखते ही नहीं, देख लेगा क्या? वो ले नहीं पाता होगा। नहीं नहीं, कम लेते थे, मगर लेते थे। हाँ, लेते थे। हाँ, कम लेता होगा, अच्छी बात है। पैर ऊपर कीजिए। पैरों में क्या परेशानी है? तकलीफ पेट में है ना आपके? हाँ, तो जहां से पेट का आवागमन है वहां चेक करना पड़ेगा ना। कहां लगा रहे आला? तू करने देगा कुछ मत्तू का लाला? अरे समझ नहीं रहे हो मेरे दिलवाला, आला यहां लगाया जाता है। ओ ऐसी, तुम जंगल गए थे क्या? झाड़ियों में घुसा था, तभी तो इतनी धूल भरी भरी है। एक हफ्ते हो गए नहाया नहीं है। तो फिर इसको बेहोश करने का फायदा क्या? बनियान उतार के मुंह पर रख दो, अपने आप को मन चली जाएगी। आला छोटा है आपका? आला छोटा है, पहुंच नहीं पा रहा। पहुंचेगा, जब पहुंच जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, परेशान ना। मैं और पास आ जाऊं? नहीं नहीं, आप दूर रहिए। आप खड़ी हो जाइए। खड़ी हो जाऊं? खड़े करके लेंगे। आपके दिल की धड़कन ये खुद सुन रहे हैं। आप समझ परेशान मत होइए। आप समझ नहीं पा रही है, हम परेशान डॉक्टर हैं। परेशानी दूसरे की अपनी धड़कन से मिला के समझते हैं। आपकी शादी हो गई? आप परेशान हो रहे हैं, मैं हैरान हो रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी शादी हो गई? हाँ, पति घर पे हैं। अकेले हैं, ज्यादा देर अकेले नहीं छोड़ती मैं उनको। जल्दी दवा दीजिए, मैं जाऊँ। तो निप्पल रख के आती ना वहाँ? निप्पल क्यों? तब तक उसी से काम चला लेता। दवा दीजिए मुझे जल्दी। दवा रहा हूँ, चिंता मत करिए। इधर आ बे, इधर आ, ओए इधर आ। जी कहिए। इधर आ, ज्यादा पढ़ी लिखी है। कंपाउंडर सर, जरा जल्दी करवाइए, देर हो रही है। मैं कैसे डॉक्टर हैं ये? डॉक्टर छिनरे हैं। आप परेशान होइए, आप बैठिए, मन की भावनाओं को समझिए। इनके बाद मेरे ही नंबर है। मेरे पति को भूख बहुत लगती है। भूख लगती है? भूखासिदी की गोली। हमें याद कर रहे होंगे। याद कर रहे होंगे? बोतल भर के नहीं रखा? खाना खिलाती हूँ ना अपने हाथ से। नहीं, बोतल भर के नहीं रख के आई थी क्या? ग्लास में दूध रख के आए थे। निप्पल नहीं लगाया था? ग्लास में दूध रख के आई थी। निप्पल से पीना छोड़ दिया उन्होंने, ग्लास में दूध पीते हैं। अच्छा, अब डायरेक्ट पी रहा है? गिलास से दूध पी रहा है। गिलास में दूध कितना है? कुछ थोड़ा डॉक्टर साहब के लिए रख देती। क्या कर रहा है? आप भी गोली खाते हैं ना, आपको कमजोरी रहती है। जब चलते हैं तो पैर आगे पीछे होते हैं, सोते तो आग बंद हो जाती है। डॉक्टर अबे डॉक्टर मैं हूँ कि तू है? आप है, लेकिन दवाई लिखो। मतलब भूल आया हूँ। हेलो, जल्दी करिए ना डॉक्टर। मुझे जवानी बता दो, ये ले लो, मेरे पास आ जाएगी, मैं समझ लूंगा। मदद करो हे, मदद करो संतोषी माता। तू अंदर क्यों नहीं जाता? कंपाउंडर, कंपाउंडर! यस सर। इसको अंदर ले जाओ। चलिए, इसकी बीमारी गंभीर है। मैं आपको दवाई दूं। अंदर जाइए। दूसरी बीमारी बता दूं? बताइए। कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब। 17 जब मैं केला खाती हूँ तो मेरा अंगूर खाने का दिल करता है। जब मैं अपने पति को बोलती हूँ मूली ले आओ, आज मूली की सब्जी बनाती हूँ, तो बैगन का भरता खाने का दिल करता है।
पता नहीं मन क्यों इतना मेरा मचलता है। ये शौक कब से आपको है? ये बस कुछ दिनों से हो रहा है, दो महीने हो गए। क्या उम्र थी जब ये शौक आपको शुरू हुआ था? अरे शादी के बाद ये हुआ है हमें, 3 महीने शादी को हो गए और पिछले 2 महीनों से ये बीमारियां लग गई मुझको। कुछ आदतें ऐसी होती शादी के पहले ही शुरू हो जाती हैं? नहीं नहीं, हमें शादी के बाद हुआ। शादी से पहले आप साफ सब्जियां, सोया मेथी, गोभी, टमाटर ऐसे सब्जियां खाती होंगी? जी। शादी के बाद राजमा चूसती थी? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, राजमा मुझे बहुत पसंद है। देखा? मेरा फेवरेट। देखा? क्या मैं बहुत खाती हूँ। फेवरेट है? और खिलाती भी। क्या फेवरेट है? राजमा। अच्छा अच्छा, सोयाबीन नहीं खाती? नहीं नहीं खाती हूँ, वो सेहत के लिए अच्छी होती है। उसको जब पानी में भिगो दो जी, उसके बाद हाँ हाँ वो फूल जाती है। हाँ हाँ, ऐसे फूल जाओगी अगर थोड़ी देर और रुकी रही यहाँ तो। दवा दीजिए ना, पीछे जाऊं? जा अंदर जाइए। आइए ना, आइए ना। वे अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। आइए। हेलो मैडम, चलिए कपड़े उतार के बैठिए। जी कपड़े उतार के? चेकअप करना है ना, दवाई दिलवा रहा है या कपड़े उतार के धोबी बनने जा रहा है? उसके कपड़े धोएगा? पहले चेकअप करूंगा ना। आइए चलिए अंदर जाइए। मैं तैयार होके बैठी हूँ। कंपाउंडर, कंपाउंडर जी साहब, वो मरीजन है, मैं कंपाउंडर हूँ। कहा बाल्टी कहा मुंह डाल ले। धोखा हो गया। एक बात सुन, सोच अबे तू इतनी पढ़ी लिखी क्यों ले आया? मिल गई। तू जानता मैं झोला छाप डॉक्टर हूँ, ठीक है? MBBS पास हुई, LLB की डिग्री ले रहा हूँ। कभी कभी झोला छाप लोगों की भी किस्मत चमक जाती है, बाद में भले जेल जाना पड़े तो क्या हुआ, समझ लीजिए। लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है? कोई मेरी क्वालिटी का मरीज ला। भगवान से दुआ करो कि भगवान मेरे लिए जगह बनाए रखें, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब? रामा रामा गजब नसीब चमक गया तुम्हारा। क्या थे, लाठी खुल गई क्या? 20 गज कपड़ा, 2 बांस, 8-10 फंटियां रखवा लो। क्या तेरी अम्मा मर गई क्या? मेरी अम्मा मरेगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं। एक आ गई है। आ गई? बहुत खूबसूरत। इज्जत के दरवाजे खोल दे। टनाटन है। इज्जत के दरवाजे खोल दूं? इज्जत से ले आओ उसको, कहने मतलब हुई ना। आइए आइए आइए, क्या चमक रही है। नमस्ते। पहले आइए हम आपको समझते। नमस्ते करो, तुम भी नमस्ते करो। समझते करें? हाँ। हम डॉक्टर हैं। अरे तो क्या हुआ? डॉक्टर पहले मरीज से नमस्ते करता। अच्छा अच्छा, मुस्कुरा के। नमस्ते कहाँ से करूँ? हाथों से करोगे कि नाक से करोगे? हमारे पास नमस्ते कई प्रकार के हैं। तो बस वही नमस्ते कर डालो। एक झुक के करते हैं तो, एक खड़े खड़े कर लेते हैं, एक बैठे बैठे करते हैं। क्या नमस्ते करो? कौन सा करूँ? करो कह रही है, करो कह रही है। इसमें बोलो, आपको जो आता हो नमस्ते करो। हमें तो सभी आते हैं, जो आप बर्दाश्त करो वही करूंगा। करो। कौन सा करूं? आइए बैठिए। यहाँ बैठूं? हाँ बैठिए। ये क्या कुछ मांग रहे हो क्या? मांग नहीं रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं। बैठिए प्लीज, जमीन डाउन। अबे इतनी दूर क्यों बैठा दिया उसको? क्या तकलीफ है आपको? हमारे मन की भावनाओं को समझो। तकलीफ बहुत है। आगे सरकाओ और लो। डॉक्टर है, घसीटा समझ लिया आपको? पढ़े लिखे तो क्या हुआ, डॉक्टर है आप? डॉक्टर हो? यस। लगते तो कहीं से नहीं हो। फिर क्या लगते हैं? ये देखिए बाल, डॉक्टरों के बाल ऐसे होते हैं क्या? चिड़िया का घोंसला है। सही बात, बीमारी ये है हमको। क्या है? कि मेरे पेट में गैस बहुत बन रही है। चपरास कंपाउंडर। डॉक्टर साहब घर से सिलेंडर ले आओ। मेन साहब ने कहा था सिलेंडर खत्म हो गया। ले आओ, उठा ले आओ सिलेंडर। ले आओ, इसको अंदर ले जा। किस लिए? कपड़े उतार के सिलेंडर इसके लगा दे। इसका होल तो बड़ा है और सिलेंडर का मुंह छोटा है, मतलब थोड़ी कुछ चिकनी चीज लगा दे। ठीक है, पूरी गैस उसी में निकाल ले। नाक वाला ऑक्सीजन इसके लगा दूं? डॉक्टर साहब मुझे वो वाली गैस नहीं बन रही है। फिर कौन सी बनती? पेट वाली बन रही है। पेट वाली है? हाँ। तो फिर तुझे देना पड़ेगा। क्या? कैप्सूल दीजिए। पहले चेकअप कराइए।
सांस नीचे से लो। नीचे से कैसे लेते, ऊपर लेते हैं। ऊपर दुनिया लेती है। गैस बन रही है तो पीछे उसकी पीठ में आला लगावा। अबे पेट में आला लगा के गैस। देख रहा हूँ गैस लीकेज तो नहीं है कहीं से। लीकेज ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। मैं काम पे लगाऊ। क्या हुआ, खतरा? कोई मारपीट का नंबर तो नहीं आया? देखिए क्या कर रहा हूँ। देख रहा हूँ गैस कितने पॉइंट कर रहा है। करने दो, कितने चुपचाप रहो। कितने पॉइंट बन गई है। ये डॉक्टर कुछ भी करेगा कि हम करवाते रहेंगे क्या? डॉक्टर के सामने बोला नहीं जाता। कंपाउंडर से इलाज करो हमारा। ज्यादा मत बोलो, गलत इंजेक्शन खोज दूंगा, आंखें बंद करके लेटी रहोगी। कायदे से इलाज करो, कायदे से। क्या कर रहे हो? आला लगा रहा हूँ। अरे पीठ में कपड़े को ऊपर लगाए क्या? कपड़े को ऊपर लगाओ। यहाँ नहीं लगाते। धड़कन कहाँ होती है? धड़कन कहाँ होती है? तुम यहाँ लगाओगे? धड़कन के ऊपर तो लगाएंगे। नहीं, हमें धड़कन में कुछ नहीं है। तेरी धड़कन सूज गई है। मेरे पेट में गैस बन रही, धड़कन में थोड़ी नहीं गैस बन रही है। उसका कॉन्टेक्ट यहीं से वहाँ तक होता है। लगे रहो, लगे रहो। गैस निकलने की जगह कोई है? क्या बोल रहा है? लगे रहो, लगे रहो। ठीक कह रहा है, इलाज करते रहो। पेट खोलिए, पेट खोलिए। ओ अरे पेट खोलिए, इलाज कराना नहीं कराना है? तो आला लगाइए ना। हाँ लगा लो, पहले दूसरा सामान लगाना पड़ेगा, ग्रीस लगानी पड़ती पहले। क्या आपका आला खराब हो गया? अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड ऐसा होता है? ऐसे होता है। पेट में पहले चिकनी चीज घुसड़ी जाती है, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर पास आई किसी किसी डॉक्टर साहब आपका आला गिर गया। तो तुम किस लिए बैठी हो? जब गिरने लगे पकड़ लो। क्या पकड़ने के लिए बैठे हैं? अरे भाई हम बुढ़े आदमी हैं। सहयोग करो, सहयोग करो, मन की भावनाओं को समझो। खोलिए। क्या नाक से सूंघ रहे हो क्या? गैस की सुगंध देख रहा हूँ। गोबर गैस है? बायोगैस है। प्रदूषण ज्यादा हो गया है, इसीलिए गैस निकलवानी पड़ेगी। इसको अंदर ले चलो। डॉक्टर साहब एक बीमारी और है। क्या? क्या? लेकिन वो बीमारी हमें नहीं है। किसे है? मेरे आदमी को है। अबे तू शादीशुदा क्यों लेके आता यहाँ? तुम्हारा नसीब अच्छा है कि शादीशुदा मिल रही है। अगर कुंवारी मिलेंगी तो ये बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तभी तभी तेरी मुझे गायब है। समझा करो। हाँ क्या? मेरे आदमी को बीमारी है। वो कौन सी? वो एक बार खड़ा होता है तो बैठता ही नहीं है। एक बार खड़ा होता है बैठता ही नहीं है। तो बैठता नहीं है ना, खड़ा ही रहता है। उसकी नस कोई ज्यादा काम कर रही है। एक काम क्या कर रहा है बे? नब्ज देख रहा हूँ। अबे डॉक्टर हम है कि तू है? आप है, लेकिन मैं थर्मामीटर से देख रहा हूँ। कौन से थर्मामीटर लगा रहा? अबे नवा जब उसकी देख रहा, हाथ अपना पकड़ा रहा। अरे थोड़ा आँख से देख रहा हूँ। देख रहा है। मैडम बताइए और क्या तकलीफ है? बस ये तकलीफ है। खड़ा हो जाता तो बैठता ही बैठता नहीं, नहीं।, नहीं रहता है। काम करो, अब की जब खड़ा हो जाए तो और ना बैठे तो हसिया लेके जाना। हसिया लेके खेत? कौन सा आइटम है? खेत में जाते घास काटने। हाँ हाँ। हसिया होगा? हाँ। जब खड़ा हो जाए तो हसिया लिए रहना, फिर बीचों बीच से सारे को खींच देना। उससे क्या होगा? मुसलमानी। लेकिन वो तो हो चुकी है। वो हो चुकी है? हाँ। तो फिर कुछ बचे ही गए नहीं। एक काम करो, तो गाना आता है? ये बताइए, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है? है इलाज है। तो दूसरा इलाज बताइए ना। एक काम करो। क्या? कुकुरमुत्ते का तेल लगाओ। ये कहाँ मिलता है? जहाँ कुत्ता टांग उठा रहा वही ले लो। आयुर्वेदिक दवाई करो। हाँ अपने आदमी को मृत संजीवनी सूरा पिलाया करो। एक काम करो, ढाई छिटाक। आप एक काम करिए, अगर वो नहीं बैठ रहा, नहीं बैठ रहा है नहीं। तो मृत संजीवनी सूरा पिलाइए। ये क्या होता है? ये कुत्ते के पास मिलता है। कुत्ते के पास ही मिलेगा? हाँ, सब कुत्ता हकीम। कुत्ता हकीम? ये कुत्ता हकीम कहाँ मिलेगा? तुम्हारे बाल बच्चे हैं?
हाँ है। कै है? एक। कै साल शादी को गए? मेरी? हाँ। साल भर। साल भर? साल भर में बच्चा? एक। हाँ। गलत जा रही हो डॉक्टर साहब। हम्म। ये औरत नहीं है। हाँ। टाटा भिलाई का कारखाना है, साल भर में बच्चा एक, अगर 10-5 साल हम लोग रहे तो क्या होगा? पूरी टीम बना देगी। एक काम करो जी, तुम्हें कुछ गाना वाना आता है? हाँ आता है। पैसा नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, मरीज है। देखिए अगर आप गाना सुना दीजिए तो आपका फ्री इलाज कर देंगे। फ्री इलाज कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। बस तो हो जाए शुरू। एक काम कर। क्या? अबे गाना बात शुरू कर, अस्पताल तो हटा जाते। बिल्कुल लो। बदनामी करेगा? अबे बदनामी करेगा डॉक्टर, अस्पताल में नचा रहा मरीज को, मेरा लाइसेंस जब्त कराएगा। हेलो हटाओ इसको, यही होगा सब कुछ। हटाओ जल्दी से, यही क्या होगा, हटाओ इसको फटाफट। रतिया नींद नहीं आई रे, हाय दैया। रतिया नींद नहीं आई रे, ऐसी मारी बलम ने। रतिया नींद नहीं आई रे, ऐसी मारी बलम ने। रात दिना तड़पाई रे, ऐसी मारी बलम ने। रतिया नींद नहीं आई रे, मोरा सैया डिराइब। जब बलमा का मैं तो जगाऊं,
बलमा मिला है बलमा मिला हर जाई रे ऐसी मारी बलम ने रतिया नींद नहीं आई रे ऐसी मारी बलम ने रात दिना तड़पाई रे ऐसी मारी बलम ने रतिया